हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अहमद स्टडी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जीके सीरीज़ का पार्ट नंबर 21। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी। तो फ्रेंड्स बताना है कि दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, यानी कि रजिया सुल्तान जो थी वो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, अलबरूनी का पूरा नाम क्या था। तो इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है अबू रेहान मोहम्मद, और ऑप्शन बी है अबू अब्दुल्ला, और ऑप्शन सी है अली गुरसासप, और ऑप्शन डी है नॉन। ठीक है, तो फ्रेंड्स अलबरूनी का पूरा नाम जो था वो था अबू रेहान मोहम्मद, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि थर्ड नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है तैमूर लंग का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1335 ईस्वी, और ऑप्शन बी 1336 ईस्वी, और ऑप्शन सी 1337 ईस्वी, और ऑप्शन डी 1338 ईस्वी। तो फ्रेंड्स तैमूर लंग का जन्म 1336 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि फोर नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था। ऑप्शन ए 1397 ईस्वी, और ऑप्शन बी 1398 ईस्वी, और ऑप्शन सी 1399 ईस्वी, और ऑप्शन डी 1400 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो तैमूर लंग जो था वो भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि फाइव नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो फ्रेंड्स बताना है कि किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। वो सुल्तान के नाम ऑप्शन में दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बलबन, और ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, और ऑप्शन डी नन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि सिक्स नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, और ऑप्शन बी बलबन, और ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यह अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी करवाए थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि सेवन नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है तुगलक नामा के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है बर्नी, और ऑप्शन बी है गुलबदन बेगम, और ऑप्शन सी है अमीर खुसरो, और ऑप्शन डी है इसामी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा तुगलक नामा के रचनाकार अमीर खुसरो हैं, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स जो अमीर खुसरो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि एट नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, मतलब किसने किया था। ये जो दिया हुआ ऑप्शन में से किसने किया था पोलो खेल का प्रचलन। ठीक, ऑप्शन ए यूनानियों ने, और ऑप्शन बी अंग्रेजों ने, और ऑप्शन सी तुर्कों ने, और ऑप्शन डी मुगलों ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्कों ने, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सबसे पहले पोलो खेल का आविष्कार जो हुआ था वो तुर्कों के द्वारा भारत में किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि नाइन नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है इनमें से किसे कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता था। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, और ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि कुरान का पाठ करने वाला किसे कहा जाता था। तो फ्रेंड्स वो कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि टेन नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। तो फ्रेंड्स जब तक हम ऑप्शन पढ़ रहे हैं तब तक आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, और ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन सी अकबर, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स वो शासक थे मोहम्मद गौरी। ठीक, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि इलेवन नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है चंगेज खान का मूल नाम क्या था। ऑप्शन ए खासूल खान, और ऑप्शन बी एसुगई,
और ऑप्शन सी तेमुचिन और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बताना है कि चंगेज खान का मूल नाम क्या था। तो फ्रेंड्स चंगेज खान का मूल नाम था वो तेमुचिन था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है सैयद वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए है खिजर खां, और ऑप्शन बी है तैमूलंग, और ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बताना है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन थे। तो सैयद वंश के संस्थापक थे वो थे खिजर खान, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 13 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है खिजर खान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। ऑप्शन ए 1413 ईस्वी, और ऑप्शन बी 1414 ईस्वी, और ऑप्शन सी 1415 ईस्वी, और ऑप्शन डी 1416 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताना है कि खिजर खान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। तो बैठा, तो वो बैठा था 1414 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 14 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है लोदी वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी, और ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, और ऑप्शन सी है बहलोल लोदी, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी के द्वारा, मतलब लोदी वंश का संस्थापना किया गया था। ठीक, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, और ऑप्शन बी है इब्राहिम लोदी, और ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। ठीक, इब्राहिम लोदी जो थे वो लोदी वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 16 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए है 1336 ईस्वी, और ऑप्शन बी है 1337 ईस्वी, और ऑप्शन सी है 1338 ईस्वी, और ऑप्शन डी है 1206 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी को हुई थी। ठीक, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन ए है कावेरी, और ऑप्शन बी है तुंगभद्रा, और ऑप्शन सी है कृष्णा, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स विजयनगर जो स्थित है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 18 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है कृष्णदेव राय राजा थे, इसमें से किस, मतलब किस वंश के या किस साम्राज्य के राजा थे बताना है। तो कृष्णदेव राय राजा थे, ऑप्शन है विजयनगर के, ऑप्शन विजयनगर के, और ऑप्शन बी है पल्लव के, और ऑप्शन सी चोल के, और ऑप्शन डी है बहमनी के। तो फ्रेंड्स जो कृष्णदेव थे, कृष्णदेव राय थे वो विजयनगर के राजा थे। ठीक, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 19 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है चेन्नई, और ऑप्शन बी है मदुरई, और ऑप्शन सी है कोलकाता, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मीनाक्षी मंदिर था, मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई में स्थित है। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन यही है कि दिया हुआ है क्वेश्चन गोलकुंडा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है बीजापुर, और ऑप्शन बी है हैदराबाद, और ऑप्शन सी है मैसूर, और ऑप्शन डी है चेन्नई। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो गोलकुंडा है फ्रेंड्स वो हैदराबाद में स्थित है, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियोज में, तब तक के लिए बाय।